हेलो प्लीज। तो शुरू करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पर मैं शुरुआत करूंगा टेंथ क्लास से। टेंथ क्लास में आपने जो पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। दो तीन लेक्चर हम लोग टेंथ के का बेस बनाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने टेंथ में कितना पढ़ा है और कितना समझा है। आपने रटा है इस बात की गारंटी है, लेकिन आपने समझा कितना है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आइए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो अपने सिलेबस में है तीन तरह के केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा एनालिटिकल केमिस्ट्री भी है। तो मैंने यहाँ पर अपने को तीन पढ़ना है, जिसमें कि फिजिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपने बेसिक चीज पढ़ लिया है, जैसे कि पीरियडिक टेबल हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वगैरह, उसी के बेस पर चलेंगे आगे। तो यहां पर आपने हाइड्रोकार्बन तो टेंथ में पढ़ा ही होगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। दुनिया का कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो ही तरह के एलिमेंट्स हों, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। इसी को मैंने कहा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक समझ में आया क्या कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन से आप जो कुछ भी बनाते हैं, जो कुछ का मतलब हो सकता है मिथाइल एल्कोहल आपने बना लिया, मीथेनोइक एसिड बना लिया, या मिथाइल क्लोराइड बना लिया। हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड बनते हैं उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन से आप जो भी कंपाउंड्स बनाते हैं उसे उस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ में आ गया? यानी कि सभी हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले सभी कंपाउंड्स, इन सबों को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद फिर प्रश्न उठता है कि जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं सबों को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते, याद रखिएगा। तो मैं आपको यहां पर बता रहा था कि कार्बन के सभी कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब समझ में आ गया होगा, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं या हाइड्रोकार्बन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, इन सभी कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और इसके स्टडी के, इसका जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। चाहे प्रिपरेशन हो, प्रॉपर्टीज हो, कुछ भी हो, जो भी आप इसके बारे में पढ़ रहे होते हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स।
आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कि क्या पढ़ा है, दुनिया में जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एक होता है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। एक होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एक होता है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन का मतलब कि यहां पर कार्बन के इस तरीके से चेन होंगे, यानी कि ये वाला कार्बन इससे डायरेक्ट ऐसे जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो यह ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। या ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। यदि मान लीजिए कि आपने यहां पर इसको इस तरीके से ले लिया और ये आपस में जुड़ गए तो यह क्लोज्ड चेन कहलाएगा। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन्स भी आ गए, इसके डेरिवेटिव्स भी आ गए। तो मेनली इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक होता ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज्ड चेन। फिर ओपन चेन के अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाते हैं और क्लोज्ड चेन के अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। तो आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे पहले ओपन चेन के बारे में, क्योंकि आपने टेंथ में ओपन चेन पढ़ा होगा। क्लोज्ड चेन के बारे में एक दो सिर्फ एग्जांपल्स आपने पढ़े होंगे, हाँ बेंजीन आपने पढ़ा होगा, वह भी क्लोज्ड चेन के अंदर आएगा। साइक्लोब्यूटेन यह भी क्लोज्ड चेन के अंदर आएगा, लेकिन जो बेंजीन है वह एरोमेटिक कंपाउंड है। और जबकि ये जो मैंने बनाया है यह एरोमेटिक नहीं है। यही सब चीज़ अपने को यहाँ पर समझना है कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होता है, बेंजोइड क्या होता है, नॉन बेंजोइड क्या होता है। जब तक कि इन सबों के बारे में आपको गहराई से जानकारी नहीं होगी तो आप रिएक्शन को रटेंगे और भूलेंगे। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अंतर क्या है, पहले तो ये जान लो। जो फिजिक्स का मूवमेंट होता है ओरिजिन टू रिजल्ट, जो फिजिक्स का कंसेप्ट है वह ओरिजिन से रिजल्ट की ओर जाता है, जबकि केमिस्ट्री का जो मूवमेंट होता है, इसका जो स्टडी होता है, यह रिजल्ट से ओरिजिन की ओर आता है। फिजिक्स में आपको सब कुछ दिखाई पड़ता है, फिजिक्स में आपको सब कुछ दिखाई पड़ता है। फिजिकल का मतलब क्या होता है, जिसे आप छू करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये मोबाइल है तो हमें दिखाई पड़ रहा है, ये फिजिकल हो गया, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं क्या वो दिखाई पड़ रहा है क्या, वो तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कैसा होता होगा। और जिसका इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगा उसका केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा। तो जो चीज आप देख रहे हो वो तो जल्दी समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो हमें दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, हम लोग यहां पर इफेक्ट को देखते हैं और तब वहां पर निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद इसके अंदर ये हो रहा होगा तो इसका फॉर्मूला ये बनता होगा। बात समझ में आई क्या? इसलिए केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हो गया ना तो फिर कभी भी वो समझ में नहीं आएंगे। और इसमें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स लगे होते हैं। अब इसको आगे पढ़ने से पहले कार्बन के टाइप्स के बारे में पढ़ना जरूरी है कि कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं। कार्बन तो वही है, C12 ही है, लेकिन पोजीशन के आधार पर इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने अल्फा बीटा और गामा लिखा है, यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री,
इसे वास्तव में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी कहा जाता है। फिर यहाँ पर विनाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन, और यहाँ पर कायरल और एकायरल कार्बन। कार्बन किस कंडीशन में किस तरीके से होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स, या तो कोई एक एटम हो या तो एटम्स का कोई ग्रुप हो। इट डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, जो कि किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता हो। ऐसे एटम या एटम्स के इस तरह के ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अपने पास, ये तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया है, थोड़ा सा मैं जगह खाली कर लेता हूँ। यहाँ पर CH3OH, C2H5OH, CH3CHO या NH2, C2H5, NH2, CH3, C डबल बॉन्ड OH और C2H5, C डबल बॉन्ड O और H। CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है, लेकिन इन तीनों के केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस CH3 के ऊपर इन केमिकल्स के प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर C2H5 है और यहाँ पर CH3 है, लेकिन फिर भी इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं। तो इसका मतलब कि इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो अलग अलग है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन हमारा OH है। तो इसका मतलब कि OH एटम का ग्रुप हो गया है। यहाँ पर दो एटम्स हैं, इसका मतलब कि OH यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप है, जो कि डिसाइड करता है कि इसका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि यहाँ पर NH2 है और यहाँ भी NH2 है। तो इसका मतलब NH2 भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसका मतलब CHO यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप आपके समझ में आ गया होगा कि या तो एक एटम हो या तो एटम्स के ग्रुप्स हो, जो कि यह डिसाइड करता हो कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टीज होगा, और जो यह डिसाइड कर दे उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप सबों के समझ में आ गया। अब यहां पर मैंने लिखा CH3, CH2, CH, CH2, CH2 और CH3, और यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जिस कार्बन से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यह OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन यहाँ पर अल्फा कार्बन कहलाएगा। अब अल्फा कार्बन के साथ जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े हुए हैं उसे बीटा कार्बन कहा जाएगा।
अब यहां पर इस कार्बन के साथ ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी बीटा है और ये भी बीटा कार्बन ही कहलाएगा। तो यदि दो बीटा हो तो एक को सिंपली बीटा नाम दे दो, दूसरे का नाम बीटा डैश दे दो, या एक का नाम बीटा वन, एक का नाम बीटा टू दे दो। हो सकता है कि यहाँ पर तीन कार्बन होते तो बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, लेकिन होंगे वो बीटा ही क्योंकि वह डायरेक्ट अल्फा से जुड़ा हुआ है। और बीटा के आगे जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन होगा वो गामा होगा। तो बीटा के ठीक आगे ये जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये गामा कहलाएगा, और बीटा के आगे डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ है तो ये गामा कहलाएगा। तो मैंने अपने को यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा तीन नाम याद रखने हैं। समझ में आ गया क्या? किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक नाम और लिख रहा हूँ, मिथाइल कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी के साथ मैंने यहाँ पर मिथाइल कार्बन भी ऐड किया है। पहले यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी के बारे में समझ लें। यदि कोई भी कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो तो उस कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहेंगे। जैसे आप इस कार्बन को देख सकते हैं, यह कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। ये कार्बन भी डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसे प्राइमरी कार्बन, इसे भी आप प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन और ये भी प्राइमरी कार्बन हुआ। सेकेंडरी कार्बन का मतलब कि जब कोई कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो। इस कार्बन को देखें, ये डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहां पर ये जो कार्बन कहलाएगा ये सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि कहीं पर आपको लगता हो कि कोई एक कार्बन डायरेक्ट तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह टर्शरी कार्बन कहलाएगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये कार्बन वन, टू और थ्री डायरेक्ट तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये यहां पर आपका कहलाएगा टर्शरी कार्बन। और यदि कोई कार्बन डायरेक्ट चार कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे कहा जाता है क्वार्टरनरी कार्बन। इस क्वार्टरनरी कार्बन को नियो कार्बन भी कहा जाता है, चाहे क्वार्टरनरी कार्बन कहें या फिर नियो कार्बन भी कह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जी मिथाइल कार्बन कौन है? मिथाइल कार्बन वो होता है जो कि डायरेक्ट किसी के साथ ना जुड़ा हुआ हो, बिल्कुल वह अकेला हो। जैसे यहां पर CH3 और यहां पर OH, यह कार्बन किसी अदर कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अदर एटम के साथ जुड़ा हो सकता है लेकिन अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो इस कार्बन को कहा जाएगा मिथाइल कार्बन, बशर्ते कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए। आपने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़े हैं तो दो मिनट में मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ, ये भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। ऐसे ऑनलाइन के टाइम में मैंने ये पढ़ाया था। जब कभी भी आपको ऐसा कार्बन नजर आ जाए जिसके चारों तरफ केवल सिंगल बॉन्ड हो, एक भी डबल बॉन्ड ना हो, तो ये कार्बन कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यदि आपको कार्बन के चारों ओर कहीं भी एक डबल बॉन्ड नजर आ जाए तो इसे कहा जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यदि कार्बन के चारों तरफ
कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड कार्बन के चारों ओर, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड या तो दो डबल बॉन्ड ऐसा कुछ नजर आ जाए, तो इन दोनों केस में यह sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। तो यहां पर ये दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाएंगे। तो sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब आपके समझ में आ चुका होगा। यहां पर मैंने कहा कि मिथाइल उस कार्बन को कहा जाता है जो सिंगल बॉन्डेड हो और अदर किसी कार्बन से वह डायरेक्ट टच में ना हो। जरा यहां पर देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होने के कारण इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। तो इस कार्बन के चारों ओर देखें कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये सब के सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यह कार्बन यहां पर कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और चूंकि इस कार्बन का लिंक डायरेक्ट किसी अदर कार्बन के साथ नहीं है, इसलिए इसे आप मिथाइल कार्बन भी कहेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मिथाइल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी कार्बन आपके समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, ये तीन खास तरह के कार्बन होते हैं। यदि ये सब नाम जान जाते हैं तो आपको आगे प्लस टू में बहुत हेल्प मिलने वाला है। अभी यदि मैं आपसे पूछूं कि विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अब से ठीक 5 मिनट के बाद मैं जितने भी फॉर्मूले पूछूंगा उन सभी फॉर्मूले के आप नाम बताएंगे। मैं क्या क्या पूछूंगा वो नाम मैं पहले लिख देता हूं, और मैं एक भी नहीं आपको बताऊंगा फिर भी आप बताएंगे, तो पता लग जाएगा कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या है। विनाइल क्लोराइड, विनाइल एल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल एल्कोहल। ईमानदारी से बताओ, इन चारों के फॉर्मूले आप सब भी बच्चों को याद है क्या? ये किसी एक दो को अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको नहीं पता है? और मैं भी नहीं बताऊंगा लेकिन आप बताएंगे मुझे पता है। अभी यहां पर देख लो, ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था, कल की ही बात है। आपने अभी तक ऑनलाइन पढ़ा है, ट्यूशन पढ़े हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पर खुद भी पढ़े होंगे और क्लास में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे टॉप में आपको अपने स्कूल की पढ़ाई समझ में आ रही होगी। अभी यहाँ पर देखिए, अभी आपके एक मित्र ने कहा कि जी कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड हो, होता है, ये तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा ही होगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन होता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी एक डबल बॉन्ड नजर आ जाए
तो उसे क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। चूंकि दो कार्बन है इसलिए इसका नाम क्या होगा? एथीन होगा। यहां भी कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, एल्कीन ये भी है, लेकिन इसमें तीन कार्बन है इसलिए इसे प्रोपीन कहते हैं। यहां तक तो किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। यहां पर ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बेंजीन, कल या परसों आप लोग बात कर रहे थे C6H6, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। और यदि यहां पर CH3 लिखा हुआ हो इसे टॉलीन बोला जाता है। बेंजीन रिंग के साथ यदि यहां पर CH3 है, एक CH3, दो नहीं, दो होगा तो फिर नाम बदल जाएगा। यदि एक CH3 है तो इसे आप टॉलीन बोलते हैं। यहां तक ये तीन चीज तो समझ में आया? समझ में क्या आया ये आप पहले से जानते थे। अब यहां पर ये कहा जाता है कि यदि डबल बॉन्डेड कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाए, यदि डबल बॉन्डेड कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाए, तो चलो आपने निकाल दिया, या तो इस डबल बॉन्डेड से निकल जाए या तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से निकल जाए, दोनों से नहीं, किसी एक से। अब आपकी मर्जी, यहां से निकालो तब भी सही है, यहां से निकाल दो तब भी सही है। तो ये हुआ यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा विनाइल। और जहां से निकला, जिस कार्बन से निकला, उस कार्बन को कहा जाएगा विनाइलिक कार्बन। समझ में आया क्या? जहां से हाइड्रोजन निकल चुका है, जिस कार्बन से, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो उस डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहा जाएगा और इस पूरे को क्या कहा जाएगा? विनाइल कहा जाएगा। यदि डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक आगे सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो, यदि डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक आगे सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो और इस सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अब एक हाइड्रोजन निकल जाए, इस बार भी हाइड्रोजन निकल रहा है लेकिन कहां से? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH2 हो जाएगा और ये फ्री हो गया। तो यहां पर जो कार्बन है इस कार्बन को क्या कहेंगे? एलाइलिक कार्बन। इस कार्बन को बेंजाइल, ये विनाइलिक, और इस कार्बन को एलाइलिक। तो विनाइलिक और एलाइलिक समझ में आया क्या? ठीक इसी तरीके से यदि यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो इसे कहा जाएगा बेंजाइलिक कार्बन। यानी कि यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन का क्या नाम होगा? बेंजाइलिक कार्बन। और इस पूरे को क्या कहेंगे? बेंजाइल। तो इस पूरे का नाम हो गया बेंजाइल। और यदि केवल इस कार्बन के बारे में पूछा जाए तो इस कार्बन को क्या कहेंगे? बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है क्या? अब शायद आप अपना दिमाग यूज कर सकते हैं। किसी के साथ यदि क्लोरीन लगा हुआ होता है तो वो क्लोराइड कहलाता है। किसी के साथ यदि क्लोरीन लगा हुआ हो तो क्लोराइड कहलाता है।
और यदि OH लगा हुआ हो तो उसे एल्कोहल कहते हैं। तो बताओ यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया, तो अब इसका पूरे रंग क्या नाम हो गया? मैं गलत तो नहीं हूँ? मैंने यही कहा था, मैं नाम नहीं बताऊँगा, आप बताएंगे। समझने का मतलब ये होता है, एक तो होता है कि मैं फॉर्मूले आपको लिख करके दे दूं, आप रट्टा मारे तीन दिन के बाद भूल जाए। एक ये हो कि मैं आपको समझा दूं और आपको अपने आप सब याद हो जाए। तो डिसीजन आपके हाथ में है कि क्लास में ढंग से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब उसी तरीके से, तो चलते चलते